नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी छाप छोड़ दी है। विराट कोहली के दम पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 321 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया है। आपको बता दें कि इस पूरी पारी में विराट कोहली का एक तरफा जलवा रहा, जिन्होंने महज 129 गेंदों में 157 ठोक डाले, वो भी 13 चौके और 4 शानदार छक्कों की मदद से। आपको बता दें कि विराट कोहली के अलावा अमृति रायडू ने भी शानदार 73 रनों की पारी खेली और सभी बल्लेबाज विराट कोहली की सहयोगी भूमिका में नजर आए। आपको बता दें कि एक समय भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन इसके बाद अमृति रायडू और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और 100 से ज़्यादा रन की साझेदारी कर टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ ले गए। अंत में तो विराट कोहली ने धुआंधार बल्लेबाजी कर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की बखियाँ उखेड़ दी। इस मैच में विराट कोहली ने ना सिर्फ 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया, वो भी सबसे तेज, बल्कि उन्होंने 37वां ODI शतक भी जड़ डाला। साथ ही उन्होंने अपनी 157 रन पारी में 5वीं बार 150 रन के स्कोर को भी पार कर लिया। अगर आपको भी आज भारतीय बल्लेबाजी और विराट कोहली की ये बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।